चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। भाभी संभाले खुद को। अमार ये तो तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान। क्यों आई हो तुम भी आओ। सफिया सफिया जी क्यों आने दिया इसको इस घर में? दरवाजे से वापस क्यों नहीं लौटा दिया? नहीं देखना चाहता इसको इस घर में। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। अमार आ रहा है मुझे लेने के लिए। जी तो चाहता है कि मार के कर दूं तुम्हें यहां पे। इससे कबल कि मैं अपने इरादों की तकमील कर बैठूं, दफा हो जाए यहां से। समझा दे इसे कि जब तक अमार यहां नहीं आता इसको लेने के लिए, ये मेरे नजरों के सामने नहीं आए। और खबरदार यहां दोबारा आने की गलती की तुमने। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में आने का। अमार आ रहा है तो मैं जा रही हूं अपने घर। हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना रही हो तुम। जी भाभी बस मैं रास्ते में हूँ पहुंचने वाला। ओ तो तुम बिजी हो। मलिया तुम क्यों? मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती क्या? इतना हैरान क्यों हो रहा? इतने अरसे से तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया, बस इसीलिए हैरान हो रहा था। जब बात करने के बजाय दलीलें देना पड़े ना तो खामोशी बेहतर। खैर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं तुमसे बात करूं या नहीं। फोन क्यों किया था? अमार मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तुम्हारे पास अगर टाइम है तो मुझे ले जा सकते हो? ठीक है मैं भाभी को पिक करने जा रहा हूँ फिर उन्हें घर छोड़कर। अब तक वो डॉक्टर उठ जाएगी अपनी क्लिनिक से। तुम आ रहे हो अभी? अभी कैसे आ जाऊँ, वहाँ पे भाभी मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें मेरी तकलीफ से ज्यादा उसके इंतजार करने की फिक्र है। ठीक है जाओ जाओ उसी के पास। ऐसी बात नहीं है मलिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल मैं नीलम भाभी को लेने आया हूँ, आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? अंदर आओ। मुझे जरा जल्दी जाना है एक जगह। तो बेटा मैंने कहा ना अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अंदर आओ। आओ। कैसी तबीयत है भाई? अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे अमार तुम कब आए? अब मैं बस अभी आया। सफिया मैं आज तक इसका लिहाज करता आया हूँ, लेकिन अब कह दो इससे कि अब इसका इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं मर भी जाऊं तो मत बुलाना इसको मेरे जनाजे पे। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ये बेटी है? नहीं है मेरी बेटी, है नहीं है। आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? आप बेचारी की हालत तो देखिए। अरे मेरी बला से मर भी जाए ना
तो इसके ऊपर तरस नहीं आने वाला मुझे। जाओ ले जाओ इसे, जाओ ले जाओ। चले बाबू, खुदा हाफिज। जिंदगी को तमाशा बनाए वही भूगोल में। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अम्मार भी पता नहीं कहाँ रह गया। मैं ठीक हूँ मामू, आप परेशान ना। अरे क्या ठीक हो, मैं देखूँ तो सही से फोन करके। मामू मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, मैंने पेन किलर खाई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी हर बात मानने वाली नहीं है, समझी। चलो उठो, मैं लेके चलता हूँ। और उठो चावल, चलो इसको भी ले लो। भाभी आप बैठे, मैं रिफत भी को बुलाता हूँ। अम्मार क्या कसूर है मेरा जो अब्बू ने मुझे इस तरह कहा? अब्बू ने मेरे लिए वकार को पसंद किया और मैंने एक फरमाबरदार बेटी बनकर उनके आगे सर झुका दिया। उन्होंने मेरी शादी कर दी, मैंने शादी निभाई, हमेशा एक अच्छी बेटी एक बीवी बनने की कोशिश की, लेकिन मुझे क्या मिला? अब्बू ने एक ही पल में मुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ अम्मार। मलिया हेलो, मेरी बात सुनो। मलिया अब नहीं सुनेगी वो तुम्हारी बात अम्मार। उसके दिल में तुम्हारा जो यकीन था उसे आज मैंने तोड़ दिया है। तुम्हारी तरह मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है। तुम्हारे दिल में ना, लेकिन उसके दिलो दिमाग में जो दस मलिया, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा मैं भाभी के लिए। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। मलिया मेरी बात सुन, क्या कर रही थी वो तुम्हारे गले लगकर? मुझे और मेरे बच्चे को सिर्फ शक की बुनियाद पे छोड़ दिया तुमने, और खुद उसको गले लगाए उसके आंसू पोंछ रहे थे। ऐसे तसल्ली देते हैं भाभी को? अमान भाभी है वो तुम्हारी, भैया की बीवी है, भूल गए अपना रिश्ता उसके साथ? याद है मुझे मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है, कुछ नहीं भूलाऊंगा। नहीं भूले, नहीं भूले तो मना क्यों नहीं किया उसे? याद क्यों नहीं दिलाई उसको उसकी लिमिट? वो डिप्रेस्ड हैं इस वक्त, अंकल ने उनसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन अंकल ने अपना मरना जीना सारे वास्ते खत्म कर दिए भाभी के साथ। कि वो है ही इसी लाइफ कि उससे ना कोई रिश्ता रखा जाए ना कोई वास्ता। पता नहीं क्यों तुम्हारी ये बात समझ नहीं आ रही। हां नहीं आएगी मेरे समझ में, क्योंकि मेरा दिल उनके लिए साफ है। तुम्हारी तरह मेरे दिल में उनके लिए कोई मैल नहीं है। तुम्हारे दिल में ना, लेकिन उसके दिलो दिमाग में जो दस मलिया, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनना चाहूंगा मैं भाभी के लिए। वो अकेली हैं इस वक्त,
उन्हें जब जब जरूरत होगी मैं उनका साथ दूंगा। तुम्हें पूरा लगता है तो लगे, तुम्हारे पूरा लगने की वजह से मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, यह बात अपने दिमाग में बिठा दो। तशरीफ रखिए, बैठिए। जी जी जी, कैसे आना हुआ? वजीर साहब, हम मोहल्ले की यूनियन की तरफ से आए, हमें कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। जी जी, कीजिए। आपके और आपके बेटे की शराफत के बारे में तो पूरा मोहल्ला ही जानता है, लेकिन लेकिन क्या कहिए ना, बोलते बोलते क्यों रुक गए? ऐसी क्या बात हो गई कि आपकी राय बदल गई मेरे बेटे के लिए? आपके बड़े बेटे की बहू अब किस रिश्ते से इस घर में रह रही है? उसके डेथ के बाद तो इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, वो मेरी बहू है और मेरे पोते की माँ है। देखिए गयूर साहब, अगर वो आपकी बहू होती तो हमें एतराज नहीं होता, लेकिन अब वो बेवा है और अपने देवर के साथ जिस तरह के उनके नाजेबा हरकत है, मोहल्ले वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्या जबान संभाल के बात करें आप लोग, वरना मैं भूल जाऊंगा पुरानी मोहल्लेदारी को। क्या कह रहे हैं गयूर भाई, अगर सुनानी है तो अपने साहबजादे को सुनाए, क्यों ना कि ऐसे नज़ारे पूरे मोहल्ले ने देख रखे हैं। देखिए गयूर साहब, आप अपनी ऊंची आवाज़ से यूनियन की आवाज़ को या मोहल्ले वालों की आवाज़ को दबा नहीं सकते। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताएं मुझे। देखें, या तो आप अपनी बहू को मैके भेज दें या फिर अपने बेटे से शादी करवा दें। हमारा दीन और माशरा इसकी इजाज़त देता है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मुझे इसके लिए मोहल्ले वालों की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मुझे पता है कैसे चलाना है इसे। जाइए अपना काम करें आप। लगता है अब आपसे यूनियन ऑफिस में ही मुलाकात होगी। ठीक है, यूनियन में बात हो जाएगी। जाएं। चले भाई। कैसी तबीयत है अमल की? वो ठीक है, लेकिन भाभी बहुत अपसेट है। क्या हुआ, खैरियत? इब्राहिम अंकल ने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए उनसे। भाई, पुराने रिश्ते खत्म होंगे तो तभी तो नए बनेंगे, और अब वक्त आ गया है इस घर में मेरी हैसियत बदलने का और तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने का। तुम मेरी औकात याद दिलाने के बजाय अपनी औकात दिखाओगी। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी दराज की हुई है नीला, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो तुम चाहती हो तुम्हें मिल जाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि जब रस्सी खींचती है ना तो सब बर्बाद हो जाता है। मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं, फिक्र तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ बचा नहीं। आपके इस तरह रिश्ता तोड़ देने से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाएगा। जानता हूँ सफिया,
लेकिन इस रिश्ते का बोझ अपने कंधों पे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कम से कम दिल को ये इत्मीनान तो रहेगा ना कि हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठी तसल्ली और झूठा इत्मीनान दिल को सुकून नहीं देता है। अम्मार के सामने उसको बुरा भला कहने से उनके दिलों में उसके लिए और हमदर्दी बैठा दी आपने। नीलू इस चीज का फायदा उठाएगी, देख लीजिएगा इस चाल को चलकर कैसे जीत अपने मुकद्दर में लिखती है वो लड़की। इसे जीत नहीं कहते हैं सफिया, हार उसका मुकद्दर है। तो देख लेना, अभी मजीद कुछ दिनों में वो अपना सब कुछ हार जाएगी, क्योंकि अल्लाह की लाठी भी आवाज जरूर है लेकिन जब चलती है ना तो लोगों की आहें निकाल देती है। अल्लाह उसको हिदायत दे और हमें हौसला दे। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे मुबारक हो गई पूरे मोहल्ले में तेरी बदनामी। सच खाला? हाँ सच कह रही हूँ, मैं क्यों भला तुझसे मजाक करूंगी। अच्छा सुन, अनिला बता रही थी तो कायना कॉलेजेस के पास गई थी? अरे मैं नहीं गई थी, वो आई थी। बस फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अनिला आंटी के दिल में भी शक डाल दूं कि अम्मार के साथ आई हूँ। आए हाय बड़ी तेज है तू नैनम। वैसे तो ये ना भी करती तब भी तेरा काम हो जाना था। जैसे मोहल्ले के मर्दों ने गयूर भाई को बातें सुनाई ना। है खाला? मत पूछ, नजा ने तो साफ कह दिया, या तो शादी होगी या तू जाएगी इस मोहल्ले से। खाला इस घर से तो अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, और अब्बू ने बहुत अच्छे वक्त पे रिश्ता तोड़ा है मुझसे, और वो भी अम्मार के साथ। अब मैं बेचारी मजलूम जिसके ना आगे कोई ना पीछे कोई, अब ऐसे मजलूम को सहारा देना तो सवाब का काम है ना खाला। अच्छा खाला, आप मेरा एक आखिरी काम कर देंगी? हाँ बोल। चल ठीक है। कैसे कर सकते हो अम्मार? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे मरिया, बिल्कुल भी नहीं। इब्राहिम अंकल ने सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए उनसे।
तुम नाराजगी भी ईमानदारी से निभाती। मैं प्यार भी पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ अम्मा। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग दो, रातों को मेरी जंग लगा। उदास होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं समझता हूँ खून के रिश्ते इतनी आसानी के साथ नहीं तोड़े जाते। मैं जाऊंगा तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए। नहीं अब्बू जी प्लीज, आप उनसे बात करने नहीं जाएंगे। आपको सलार की कसम है, मैं अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, वो आपसे भी बदतमीजी करेंगे। और वैसे भी शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं यहाँ रह लूंगी आप लोगों के साथ, मगर आप उनसे बात करने नहीं जाएंगे। चलो तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मामू, खासकर मेरी जिंदगी में। अमार जी भाभी, वो मुझे कुछ चीजें लेनी थी, तो तुम मुझे मार्केट ले चलोगे? भाभी आज नहीं ले जा सकूंगा, आज ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, मैं कल आपको लेके चलूंगा। ठीक है ओके, फॉर ऑफिस। हाँ खाला, मैं अमार के साथ कल मार्केट जाऊंगी, तो आप तैयार रहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। लिया नाराजगी भी ईमानदारी से निभाती। मैं प्यार भी पूरी ईमानदारी से निभाती हूँ अम्मा, और मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ तुम, और तुम्हारे लिए मैं। और ये तुमसे किसने कहा? कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस हो जाती। तुम्हारी तवज्जा, तुम्हारी प्रायोरिटी सब बदल गई है, बल्कि तुम ही बदल गए हो अम्मार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हारी सोच गलत है। मैं और मेरी सोच तुम्हें गलत ही लगेंगे, क्योंकि आज कल कोई और जो सही लगने लगा। भाभी का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, बिलीव मी। तुम्हारी सोच, तुम्हारे अंदाजे सब गलत है अम्मा, और ये तुम्हें वक्त बताएगा। Excuse me. Hello. ए नीलो, ये सब हमारे मोहल्ले में नहीं चलेगा। क्या हो गया खाला? आए हाय, कुर्बान जाऊं तेरी मासूमियत पर।
तेरे और तेरे देवर के अफेयर के बारे में बात कर रही हूँ मैं। सारे मोहल्ले ने देखा है तुम लोगों को। खाला आप क्या बोल रही हैं? वो मेरा देवर है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे बस बस रहने दो, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को एक साथ। क्या हो क्या रहा है सब? देखो ना अमर, ये कैसी बातें कर रही है, ये इल्जाम लगा रही है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मेरा खाला शर्म आनी चाहिए आपको, इतना बेहुदा इल्जाम लगाते हुए इनके ऊपर। अच्छा तो अब हम शर्म भी हम लोग करें? शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए जो बिना किसी डर के आशिकी माशूकी चल रही है दोनों देवर भाभी में। गजब खुदा का, अपनी ही भाभी के साथ। बस! क्या हो क्या गया है आपकी सोच को? इतना गंद भरा हुआ है आपके दिमाग में। भाभी इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है और आप बाहर जाइए। हाँ हम तो चले जाएंगे, तुम फिरो घूमो अपनी नाम की भाभी के साथ। हमारे इन लोगों की जबानें नहीं रुकने वाली। क्या हुआ इसे? वही फजूल बातें मोहल्ले वालों की। अबू आप यूनियन ऑफिस जाकर उनसे बात तो करें। ये क्या तरीका इन लोगों का, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। भाभी बेचारी को बहुत दुख हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? अब पूछिए, मैं अब यहां नहीं रह सकती, अब मैं यहां से जा रही हूं। यहां नहीं रह सकती तो कहां जाओगी तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, किसी भी एडियो में, हॉस्टल में, मगर अब यहाँ नहीं रहूंगी। और अब्बू जी ठीक कहते हैं लोग, जिससे मेरा रिश्ता था वो तो मुझे छोड़कर चला गया, अब किस रिश्ते से रहूं मैं इस घर में? तुम इस घर की बहू हो और बहू रहोगी। तुम्हारा निकाह होगा अम्मार के साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये भाभी है मेरी। अबू जी प्लीज, मैं मलिया के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अबू जी आप प्लीज मुझे जाने दें। लोगों को एतराज है ना अम्मार के नाम हैरम होने का, जब ये रिश्ता हो जाएगा तो सारी जुबानें चुप हो जाएंगी। और ये कदम मैं तुम्हारे लिए उठा रहा हूँ, अपने पोते के लिए उठा रहा हूँ। अबू जी ये ज्यादती है, प्लीज ऐसा ना करें। ज्यादती तुम करोगी यहाँ से जाके, हमारे साथ दर दर की ठोकरें खाओगी, ये मैं गवारा नहीं कर सकता। और ये फैसला मैं कर चुका हूँ। बस की मंगनी हुई है, लेकिन सच बताऊं आपको, मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ऐसे लगता है कि मंगनी नहीं, मैंने मल्लो की शादी कर दी हो। शादी भी रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस भाई साहब,
मेरी मल्लो का ख्याल रखिएगा। कैसी बातें करती थी उसको? मलिया तो मेरी वो बेटी है जिसने मुझे बेटी ना होने का कभी एहसास नहीं होने दिया। मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा उसको? मुझे माफ कर देना खुलसुम, अपनी औलाद की खुशी के लालच में तुम्हारी औलाद से नाइंसाफी कर बैठा। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा और मलिहा का, क्या करता, बेबस हूं हालात के हाथों बेबस। अल्लाह तुम्हें हौसला दे और हिम्मत दे और तुम्हें हिदायत दे। ये दुआएं करते करते मेरे माँ बाप थक चुके हैं, लेकिन उनकी दुआओं का मुझ पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। हाँ अलबत्ता मेरी दुआ में बहुत असर है, तभी तो कुदरत ने मुझे अम्मार के साथ जोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, ये वो फैसला है जो तुम्हारे मामू ने मेरे हक में किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन मामू का फैसला नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो जाकर पूछ लो अपने मामू से। ये क्या सुन रही हूं मैं? आप अम्मार का निकाह नीलम के साथ कर रहे हैं? हाँ, ठीक सुना है तुमने। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, मजबूर हूं मैं। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? किस चीज की सजा दे रहे हैं मुझे? जिस अजियत से तुम गुजर रही हो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में मैं भी हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं। सच पूछो तो यह फैसला मेरे दिल का नहीं बल्कि दिमाग का है। दिल तो किसी सूरत तुम्हारे साथ ज्यादती पे आमादा नहीं होता, पर यह दिमाग बड़ा लालची है। पोते के लालच ने खुद खर्च कर दिया इसे। हो सके तो अपने मामू को माफ कर देना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप मेरे लिए ऐसा फैसला कर सकते हैं, लेकिन अम्मार नहीं। वो प्यार करता है मुझसे, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा मेरे साथ। रातों को मेरी जंग लगा।